पालन रक्षा में यात्रा स्वागत नित्यम भागवत देवया जो नित्यम भागवत सेवया सेवा राधा दामोदर मंदिर में हो रही है। दामोदर जी मैं जब यहाँ आता हूँ नहीं आता हूँ मुझे वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर का स्मरण होता है। इसका कारण भी है और मंदिरों का स्मरण तो करते ही है लेकिन मेरे लिए राधा दामोदर मंदिर इसलिए अधिक प्रिय है कि वृंदावन में मैं जब गया जीवन में पहली बार 1972 में 1972 में पहला मंदिर जो वृंदावन में मैंने देखा वो राधा दामोदर मंदिर था। राज जो भी विदेशी है उनको
अंग्रेजी समझते अंग्रेज खाते पर प्रभुपाद ने आमंत्रित किया था अपने शिष्यों को और हम लोग वहीं से गए और मैं अकेला ही इंडियन डिवोटी इंडियन बॉडी तो हम सभी के सभी जो बम्बई से आए थे कहते था मैं ही श्री प्रभुपाद दर्शन के लिए भी गए दर्शन दिया और बिठाया भी थोड़े दर्शन हो गए आउट देखा ना मुझे ऐसा नहीं था हम नहीं गए थे हम उनसे प्रेम करते थे उसने हमारा उनसे था फादर ग्रैंड फादर स्पिरिचुअल ग्रैंड फादर हमारे आध्यात्मिक पिता अभी हमारा संसार में कोई था नहीं सब संसार को त्याग के हम उन्हीं की शरण में आए थे और फिर आगे कोई दो मार्ग दिखाएंगे उस पर हम चलने वाले थे तो हम उनसे प्रेम करते थे और श्री प्रभुपाद भी हम जीवों पर प्रेम करते थे या तैयार करते थे तैयार वो दयालु श्री प्रभुपाद कृपालु श्री प्रभुपाद ने हमें केवल दर्शन ही नहीं दिया किंतु बिठा के कुछ वार्तालाप भी हुआ और पूछताछ भी करने लगे उसके पहले हमारे टीम के लीडर पंच द्रविड़ का नाम था पहले द्रविड़ दास कर्मचारी उन्होंने श्री प्रभुपाद की स्तुति करने लगे गुरु के सानिध्य में कुछ वंदना स्तुति करनी होती है वैभवगान तो मुझे याद है प्रातःकाल का समय था तो कह रहे जैसे सूर्य प्रकाश देता है सारे संसार को वैसे श्रील प्रभुपाद भी ज्ञान का ज्योति से आप भी सभी को प्रकाश दे रहे हो अभी अभी हमने मथुरा स्टेशन से जब हम जा रहे हैं वृंदावन तो सूर्योदय होते हुए देखा जाता है शायद तो द्रविड़ प्रभु उनके मन में सूर्य और सूर्य प्रकाश था तो श्री प्रभुपाद को देखते ही उन्होंने वो तुलना करना शुरू किया और ओम ज्ञान निरंतरश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः निरंतरश ज्ञानांजन शलाकया ये उन्होंने से अपनी कहा होता ही है प्रकाश देते हैं गुरुजन यश्व प्रभुपाद प्रकाश केवल प्रकाश ही नहीं दिया वैसे प्रकाश के स्रोत श्री कृष्ण को दिए हमें हम भक्तों को हम शिष्यों को सारे संसार को कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार तोमार शरण
છે કૃષ્ણ છે તો માં કૃષ્ણ દીધે પાર કૃષ્ણ કે પાસ હૈ ઓર કૃષ્ણ હમે દેને કી આપ ક્ષમતા રખસે હો ઇસીલિયે આમી તો કામગા કૃષ્ણ કૃષ્ણ બલી ધરી દવ પાછે પાછે ઇસીલિયે હમ તો કંગાલ હૈ હમ તો ભિખારી હૈ और आपके पीछे दौड़ रहे किस लिए आप हमें कृष्ण दोगे इस आशा के साथ हम आपके पीछे पीछे का अनुगमन कर रहे हैं मेरे ऐसा ही बात उन्होंने नहीं कही है मुझे ऐसे विचार ये भी आए फिर वो बात भी ये विचार जरूर आया था वैसे मैं मेरे मन में और उस बात से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि फिल्म भोपाल जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य हरे कृष्ण मूवमेंट के फाउंडर आचार्य इस मूवमेंट के मंदिर सर्वत्र और भोपाल के अनुयायी भी सर्वत्र जॉर्ज हैरिसन हैरिसन हरिसन ऐसे कई तरह और अम्बरीश फोर्ड कंपनी के मालिक अरे तो बार ऐसे श्री प्रभुपाद मतलब कान इंटरनेशनल इतना सारा वैभव इतनी सारी धनराशि भी संपत्ति भी विश्व भर में उनके उस संस्था के प्रतिष्ठा था आचार्य जब वृंदावन लौटे तो जिस छोटी सी कक्षा में वे रह रहे थे अब कोई 10-12 भक्त थे वृंदावन से आए हुए तो सब के सब अंदर आए और बैठे तो फिर हो गया हाउसफुल हो गया इतना बड़ा कक्षा थी वहां जिसको पहले प्रभुपाद पता नहीं उन दिनों में कितना लगे पहले किराया देते थे 5 rupees पर मंथ 5 rupees किराया देते थे जिस कमरे का तो उसी कमरे में प्रभुपाद को पुनः पहले तो शायद ठीक था हरे कृष्ण मूवमेंट या विदेश जाने के पहले जो लेकिन जब लौटे हुए 6-7 वर्षों के उपरांत तो उसी कमरे में श्री प्रभुपाद रहने लगे इस जो 5 rupees किराए का कमरा उसी में प्रभुपाद रह रहे थे और जिस पर बैठे थे जिस आसन पर ये तो महा आसन हो गया बस एक कुशन पर ही बैठे थे जो होगा 4-5 inches ऊंचा होगा और छोटा सा पीछे आधार था उसको बैठ पर उसी पर बैठे थे होगा तो इस वैराग्य के मूर्ति को वैराग्य मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति भी कृष्ण की कृपा की मूर्ति और फिर यह वैराग्य की मूर्ति भी फिर भगवान तो उनको उस वैसे एक साधारण कक्ष में कमरे में और एक साधारण आसन पर बैठे तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा प्रभुपाद हम लोग बैठे प्रभुपाद के समक्ष पता नहीं भागवत की कक्षा तो नहीं मिलता
फल दिया करते थे बलराम। श्रीमद् भागवत की कक्षा और भक्ति रसाल में सिंधु की कक्षा पीछे कोटि आड़ में, तो वो आगे होने वाली थी कक्षा, आने वाली थी कक्षा। मेरा पहला दिन ही था, अभी अभी पहुँच गए थे। तो इसके बाद हम बम्बई से आए थे, तो सब बम्बई का सारा समाचार पूछने लगे, कैसा है हरे कृष्णा लैंड, कैसा है प्रचार प्रसार, कैसे है हमने सोचे थोड़ा दिन शायद चित्रकोपाल वृंदावन में तो सीधे राधा कृष्ण की बात करेंगे, लेकिन वे तो स्थान मुंबई की बातें कर रहे थे हम सभी से। और हम सभी ध्यानपूर्वक कुछ उत्तर भी दे रहे थे, कुछ सुन भी रहे थे। मुझे याद है मैं चित्रकूट पार्क के सामने ही बैठा था, तो बड़ों पर हम सभी से बातें करते करते हम सभी को देखते भी थे। अब आने के और तब से वो स्टॉप ही है।
सत्संग का हमें स्मरण करना पड़ता है और कहता हूँ तो फिर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चलता है। तो ऐसे ये मेरे साथ श्रीपोबा जो बातें किए या आदेश दिए, दिस वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कही। और वैसे मेरी पहली मुलाकात श्रीपोबा के साथ हो रही थी। मैं उसे मिला था, मिला तो क्या 71 में श्रीपोबा को देखा और सुना था हरे कृष्ण लैन, हरे कृष्ण फेस्टिवल चर्च के स्टेशन के पास जो मैदान है, क्रॉस मैदान, आप शायद जानते होंगे। तो क्रॉस मैदान में जो फेस्टिवल 71 मार्च अप्रैल की बात है, तो मैं वहाँ हर रोज वहाँ जाया करता था प्रभुपाल के प्रवचन सुनने, उनके शिष्यों के कीर्तन सुनने और देखने। तो वहाँ पर मैंने श्री प्रभुपाद को जरूर देखा था, सुना था, लेकिन मिला नहीं था श्री प्रभुपाद से। तो और फिर 72 में ही और एक उत्सव हुआ मुंबई में, हरे कृष्ण लैंड पर उत्सव हुआ हमारे जहाँ अब राधा राजबिहारी मंदिर है। तो उसी लैंड पर ही पहला फेस्टिवल हुआ, तो मैं भी उस फेस्टिवल में गया था। पुनः श्री प्रभुपाद को देखने और सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। और हरे कृष्ण लैंड के प्रॉपर्टी में श्री प्रभुपाद को भ्रमण करते हुए मैंने देखा था। समय तो मैं कॉलेज स्टूडेंट ही था और कुछ पतलून पहन के ही मैं वहाँ पैंट पुश पहन के वहाँ जाया करता था। तो ऐसे हरे कृष्ण लैंड मैं उत्सव होने के बाद फिर मैं इस काम ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के लिए मैंने पत्र भी लिखा था वहाँ के, जैसे यहाँ वृंदावन प्रभु अध्यक्ष है, वहाँ के अध्यक्ष को मैंने पत्र लिखा था। और कहा था कि यस आपके दी एक्सटैटिक कीर्तन मुझे बहुत अच्छे लगे, आपकी डैजलिंग आरती बहुत पसंद आई और आपका समझ प्रसाद मुझे उन्हें बहुत प्रसन्न किया। उनकी जो एडवर्टीजमेंट थी हरे कृष्ण फेस्टिवल जो हुआ था, उनके एडवर्टीजमेंट में उन्होंने सब लिखा था, प्लीज कम आ जाओ, यहाँ होंगे स्टैटिक कीर्तन होंगे, समझ प्रसाद होगा, डैजलिंग आरती होगी। तो उस समय मुझे सम्चुअस क्या होता पता नहीं था, सम्चुअस प्रसाद डैजलिंग आरती और एक्सटेरिक कीर्तन पता था, प्रसाद पता था, लेकिन पता नहीं। लेकिन उन्होंने जिन विशेषणों का अर्जेंटिव का उपयोग किया था मैं उसे उनसे परिचित नहीं था, लेकिन कहा कि चलो उन्होंने कहा है क्योंकि आज ये डैजलिंग आरती तो आई लाइक योर डैजलिंग आरती एक्सटेरिक कीर्तन, मैं थोड़ा कॉपी किया। ये भी लिखा था कि आई विल फॉलो द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो भी लिखा था, नो मीटिंग ऐसा नहीं करूँगा, पत्र में लिखा था। और कहा कि प्लीज हमारे निवेदन को आप
But now I want to join you. मुझे याद है कि हवाई के कृष्ण कांसेस के साथ आपको बता रहा हूँ. होगा तो मैंने सोचा पहले था से लिखा तो मैंने पत्र ये सोचा कि ये सोसाइटी तो इंटरनेशनल सोसाइटी है. शायद हाथ से लिखा हुआ पत्र शायद पढ़ेंगे भी इंटरनेशनल सोसाइटी. तो मैंने मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट में गया, टाइपिंग करवाया उस पत्र को, हस्ताक्षर करवा के मैं हरे कृष्ण लैंड गया और मुझे पूछ रहा था आई वॉन्ट टू सबमिट माई एप्लीकेशन आपके प्रेसिडेंट कहाँ है. तो जिनसे मैं पूछ रहा था तो उन्होंने आई एम द प्रेसिडेंट. मैंने सोचा कि तुम पता नहीं प्रेसिडेंट नहीं बैठे होंगे, कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, होगा वो होगा. और फिर मैंने भी सोचा था कि एप्लीकेशन देने के बाद शायद उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी मीटिंग में शायद विचार होगा. लेकिन वो अध्यक्ष ने मेरा पत्र पढ़ लिया और इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर के जो आश्रम में कर्मचारी थे उनका वो यहाँ पढ़ता बहुत ज्वाइन करना चाहता है. तो सारे कई सारे डिवोटीज आगे दौड़े आए. उन दिनों में कोई ज्वाइन करता है इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन और इंडियन ज्वाइनिंग ये बड़ी रेयर दुर्लभ बातें उन दिनों में. तो इट वाज अ गुड न्यूज उनके लिए. तो उन्होंने तुरंत ही मेरा स्वीकार किया ऑन द स्पॉट खड़े खड़े. इट वाज अप्रूव्ड, यस तुम ज्वाइन कर सकते हो. इतना ही नहीं, थोड़ी देर में मुझे उन्होंने आश्रम के पीछे बुलाया. पता नहीं था कि हम क्यों पीछे बुला रहे. तो मैं फिर वहाँ गया तो वहाँ बार बार वॉज वेटिंग फॉर मी, माई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था. और मंडल भी हुआ और इतना फटाफट काम हो गया. और फिर उन्होंने मुझे धोती कैसे पहननी है सिखाया. और तो आई वॉज माई भारतीय था और फिर विदेशी थे लेकिन विदेशी ने सिखाया मुझे धोती कैसे पहननी होती है. और फिर तिलक भी पहनाया. और उसे शायद को एक स्कूल में प्रोग्राम था तो सन्यासी ब्रह्मानंद के भाई रमानंद स्वामी के भाई गर्गमुनि स्वामी कॉलेज में टीचिंग करते थे स्कूल में टीचिंग था. तो मुझे भी साथ में ले गए. प्रचार कार्य भी शुरू हो गया उसी दिन. और जब स्कूल में गए स्कूल प्रोग्राम शुरू हुआ तो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते थे. हमारे घर के मणि महाराष्ट्र केवल अंग्रेजी ही बोलते थे. तो मुझे माइक्रोफोन पकड़ाया और मैं अंग्रेजी में बोलने लगे और मैंने हिंदी में प्रवचन सुनाया. दो चार घंटों में सब कुछ. फिर मैं बाहर रहा मई अप्रैल मई में ज्वाइन किया. तो कार्तिक में हम गए वृंदावन. तो इस प्रकार के मैं प्रभुपाद को देखा तो था सुना था लेकिन मिला नहीं था पहले. तो अब उस राधा दामोदर मंदिर में
कार्तिक में जब हम वहाँ पहुँचे तो प्रभुपाद से पहली बार वहाँ से मुलाकात हो रही थी। तो पहली मुलाकात उन्होंने जो आदेश उपदेश प्रारंभ किए निषेध से प्रारंभ किया, डोंट डू दिस, मत। दो प्रकार के आदेश उपदेश होते हैं, एक विधि होती है एक निषेध होता है। तो मेरे साथ निषेध के साथ डोंट डू दिस, और मैंने उसका अर्थ ये भी निकाला कि जो भी निषेध की बात है, या तो मैं पहले घुटना हिला रहा था आपको मत हिलाओ, मतलब आओ, ऐसे कई सारे निषेधात्मक कार्य है वो मत करो, डूज एंड डोंट में से डोंट डू दिस से प्रभुपाद शुरुआत की। मैं इतना रहे फिर प्रभुपाद के साथ पूरे महीने के लिए वृंदावन में, और उसके पहले वैसे प्रभुपाद के साथ दामोदर मास मनाने के लिए गए तो थे वृंदावन, लेकिन प्रभुपाद ने उद्रवी ब्रह्मचारी और भक्त रघुनाथ तो हम दोनों को बुलाए और प्रभुपाद ने प्रस्ताव किया कि तुम लोग आगरा जाओ, इसी महीने में गोवर्धन पूजा होगी तो गोवर्धन पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, ये होगा वो होगा, तो बहुत बड़ा प्रेम मार्केट है आगरा में, तुम वहां जाओ। फिर प्रभुपाद हम दोनों को आगरा भेजे और हम छोटा सा टेम्पो भर के खराब भर के घी आटा चावल और कई सारे घूम काफी सामग्री लेके हम पुनः वृंदावन लौटे तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न रहे उसके पास। तो कक्षाएं बनी थी वहाँ राधा दामोदर मंदिर के बगल में जो कोर्टयार्ड है, एक सामने कोर्टयार्ड है, साइड का कोर्टयार्ड, या रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर और भजन कुटीर भी है, एक तरफ भजन का समाधि मंदिर है और भजन कुटीर है, उसके मध्य में हम लोग बैठते थे। कुछ 30-40 डिवोटीज हम थे उस समय, लेकिन उन दिनों में 30-40 डिवोटीज हम समझते कितने सारे डिवोटीज है, सौ के डिवोटीज, कोई हम पूछा कितने डिवोटीज आए तो सौ के कितने 30 डिवोटीज 40 डिवोटीज 30-40 डिवोटीज का एकत्रित होना उस उत्सव में कार्तिक महोत्सव में तो बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। अब आप जानते हो अब कितने आते हैं वहाँ हरे कृष्ण फॉलोअर्स। प्रातःकाल में भागवत की कक्षा और सायंकाल को नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लासेस, शायद आपने सुने होंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लासेस प्रभुपाद के 1972 के काफी फेमस है, हर रोज नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लासेस प्रभुपाद देते थे और भागवत प्रातःकाल में तो कई सारे दर्शनार्थी राधा दामोदर के दर्शन के लिए आने वाले हम परिक्रमा लगाते थे कार्तिक मास में, और मंदिरों की अपेक्षा राधा दामोदर मंदिर की अधिक परिक्रमा होती है वहाँ वृंदावन में, और होनी ही चाहिए। मास कौन सा है? दामोदर मास, तो राधा दामोदर की अधिक परिक्रमा वहाँ
आसमान। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि इतने सारे अधिक संख्या में क्यों लोग प्रदक्षिणा करते हैं। राधा दामोदर मंदिर है, ये कारण भी तो था ही, लेकिन और एक कारण का रहस्य का उद्घाटन हुआ जब हम वहां रहते थे। वह राधा दामोदर मंदिर के मंदिर में ऑल्टर पर गिरिराज की शिला भी, एक शिला भी उस समय भी थी और आज भी है, जो सनातन गोस्वामी को भगवान शिला दिए थे। तो बूढ़े हो गए हो, अब परिक्रमा को रोक लो, स्टार्टेड परिक्रमा रोको, तो फिर भगवान भी उनको शिला दिए थे, अपने चरण चिन्ह उसमें बनाए, अपने चरणों से अंकित शिला दे दी और ना किसी की परिक्रमा करो। और इस शिला की परिक्रमा से हमें लाभ हुआ पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करने का। तो वो शिला राधा दामोदर मंदिर में उन दिनों में थी। तो सनातन गोस्वामी तो जीवन भर परिक्रमाएं की थी, बूढ़े थे, इसलिए उनको तो शिला प्राप्त हुई थी, लेकिन जो लोग बूढ़े नहीं थे, काफी हटे कटे जवान थे, वे भी वहां के परिक्रमा करते राधा दामोदर मंदिर की और साथ में शिला की, इस आशा से कि बस इसी से हमारा भी कल्याण होगा, हमें भी लाभ होगा गोवर्धन परिक्रमा करने का। तो बड़ी संख्या में वहाँ परिक्रमा होती थी और कई लोग तो प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे तो सारे विदेश के डिवोटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम लोग ऐसे नहीं कहते थे, हम समझते होंगे बाकी लोग प्रभुज और माताएं और भारतीय वेशभूषा और तिलक और कंठी माला और अपने भी वृंदावन में आके भागवत की कथा सुन रहे हैं, ऐसा ही बड़ी अचरज की बात। तो कई लोग रुक के देखते सुनते, अधिकतर खड़े होकर देखते ही बड़े अचरज के साथ स्वामी जी और अंग्रेजी भाषा में भागवत पर प्रवचन हो रहा है, विदेश के लोग सुन रहे हैं भागवत कथा। तो उन दिनों में वैसे हरे कृष्ण लैंड नहीं कहते थे उसको, लेकिन जो कृष्ण बलराम मंदिर का जो जमीन है रमन बेदी में, अभी अभी जो प्रभुपाद उसको प्राप्त किए थे, ये 72 कार्तिक की बात है, लेकिन वैसे उसी साल मार्च में प्रभुपाद उस लैंड को लिए थे, राधा रमन रेड्डी का जो लैंड या कृष्ण बलराम मंदिर है। तो देने वाला भी वैसे भूमि विचार कर रहा था दे कि नहीं दे इस लैंड को, फिर उन्हें सोचा कि मैं भगवान से ही, भगवान जैसे भी चाहेंगे, भगवान कहेंगे दे दो तो दे दूंगा, भगवान कहेंगे नहीं दो तो नहीं दूंगा। तो जवान जमीन के मालिक ने दो कागज लिए, कागज थोड़े एक पर लिखा दे दो, एक पर लिखा मत दो। उनके घर के जो विग्रह थे उनके समक्ष दो चिट्ठी उन्होंने रखी ऐसी फेंक दी, और फिर जिसको भी उठाएंगे और जिसमें उसमें जो भी लिखा होगा वैसे ही करेंगे। तो दोनों चिट्ठी जब
उनके भगवान के पिता के चरणों में रखी और प्रणाम करके जब चिट्ठी उठाई तो उसमें लिखा था दे दो। विशेष समय रहा हो
का सानिध्य दिया और साथ ही साथ शुक्र प्रभुपाद का पूरे महीने भर के लिए हम शुक्र प्रभुपाद के साथ ही रहे और खूब श्रवण कीर्तन होता रहा। प्रातःकालीन कक्षा सायंकाल श्रवण कीर्तन और कक्षा होने के बाद भी फिर प्रभुपाद जब अपने कमरे में जाते तो हम भी पीछे पीछे जाके बैठ जाते तो प्रभुपाद फिर हम भक्तों से बातें करते बड़ा इंटीमेट प्रसन्न रहा। एक दिन प्रभुपाद जलेबी खाना चाहते थे और उनके जो कुक से विदेश के होने के कारण जलेबी बनाना तो खिचड़ी तो कोई बना सकता है, जलेबी कुकिंग किस तरह कोई नहीं जानता था। तो मुझे भेजा गया बाजार में प्रभुपाद के खाऊ, मुझे बताया जा रहा कहा ताजी ताजी जलेबी गरम गरम जलेबी मिलती है। मैं गया और मुझे गरम गरम जलेबी लेके पुनः भागे दौड़े आया और प्रभुपाद को गरम जलेबी
अदरक के बजाय बहुमत चलो बहुमत को बहुमत नाम दिया रहा है लोकनाथ को। तब से हमने सोचा कि ये लोकनाथ वो स्वामी का नाम है, तो भगवान का नाम ही लोकनाथ, एक नाम या जगन्नाथ लोकनाथ को स्वामी। तो मैंने ऐसा प्रभुपाद जी को स्पष्ट करके नहीं कहा कि इनका नाम दे रहे हैं, और वैसे अल्टीमेटली अंत तो गतवार सारे नाम तो भगवान के ही होते हैं। पहले गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु ने जिनको वृंदावन भेजा, तो पहले गोस्वामी थे लोकनाथ गोस्वामी। तो उनके समाधि भी कुछ दूर नहीं है राधा दामोदर मंदिर से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण